हाय गाइस, मेरा नाम नारायण बघेल और मैं आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट यूज़र और ओयू और ग्रुप, जिसे हम यूज़र को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में सीखेंगे, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हम ये सर्वर 2016 पे सीखेंगे। इसमें हम दो तरीके से यूज़र अकाउंट और ग्रुप अकाउंट और ओयू बनाना सीखेंगे। पहला तो मैनुअल और दूसरा पावर सेल से। तो दोनों चीज़ को हम एक के बाद एक देखेंगे कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लिया है सर्वर में पहले से ही। और यहाँ पे मैं यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ तो ये सारी चीज़ें अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है। इसमें कुछ भी मैंने अपनी तरफ से क्रिएट नहीं किया है, वही हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। यूज़र्स पे क्लिक करके देखते हैं तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड यूज़र हैं, कुछ भी हमने क्रिएट नहीं किया है। उसी तरीके से एक इधर पे भी ये सब बाय डिफ़ॉल्ट OU है, तो हम देखेंगे इसको मैनुअली और कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब जो हमारा पावर सेल है उससे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम पावर सेल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना यहाँ पे पावर सेल को ओपन करता हूँ, विंडोज़ पावर सेल। तो अभी मैंने विंडोज़ पावर सेल को ओपन कर लिया है, अब इसको थोड़ा एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कुछ यहाँ पे एक नोट कर लेते हैं कि क्या क्या बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जो यूज़र बनाऊँगा उसका नाम दे दूँगा कुछ टेस्ट 01, ये मेरा यूज़र का नाम बनाऊंगा मैं। और एक OU क्रिएट करूंगा जिसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कहते हैं, तो उसका नाम मैं दे दूंगा टेस्ट 001, ये मेरा रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे एक ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, ग्रुप 3। साथ ही साथ हम यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, तो मैं ग्रुप का नाम जो दूंगा वो दूंगा टेस्ट 00301। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट करके चेक करेंगे कि ये क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है। और फिर हम जाते हैं अब यहाँ पे पावर सेल में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या क्रिएट करता हूँ, एक OU क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी न्यू, उसके बाद में माइनस AD, और मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ अभी, OU क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लिखना पड़ेगा हमें ऐसे करके, कंटिन्यू यूनिट। उसके बाद मैं एक फिर से माइनस लगाइए, आप उसको नाम को आपको इन दो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा आप क्या दे रहे हैं। अभी मैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिए मैंने क्या लिखा था, टेस्ट 001। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट 001 और इसके बाद में एंटर। अगर आपकी कमांड में कोई गलती नहीं हुई है तो ये आपको इस तरीके से आएगा, अगर आपकी कमांड में कुछ गलती हो जाती है तो इसमें एरर आएगा रेड कलर का। तो अभी ये कमांड प्रॉपरली रन हो गई है, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है करके। तो हम यहाँ पे जाते हैं यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे एक्टिव डायरेक्टरी के, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं और इसको देखता हूँ OU क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी भी इसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम सर्वर को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अभी आप यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने क्रिएट किया है अभी तक ये नहीं था यहाँ पे, लेकिन अब ये एक OU आ गया है। तो हमारी कमांड प्रॉपरली रन हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया है। जो मैंने नाम दिया था टेस्ट 001, वही नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर हमें नेक्स्ट कोई यूज़र क्रिएट करना हो, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई टेस्ट 01 करके कोई यूज़र क्रिएटेड नहीं है। हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, फिर से हम जाते हैं पावर सेल में उसको क्रिएट करने के लिए। तो कमांड सेम रहेगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 01 में यूज़र का नाम दे रहा हूँ, ये कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पे आपको ये हटाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को हटा के आपको यूज़र लिखना पड़ेगा और फिर से आप इस कमांड को एंटर कीजिए।
तो देखिए फिर से ये कमांड प्रॉपरली रन हो गई है, इसमें कोई एरर नहीं आया है। और हम देखेंगे अब ये यूज़र टेस्ट 01 क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें इस यूज़र OU को जो पहले से ही क्रिएटेड है इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो मैंने रिफ़्रेश किया, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आखिरी में यूज़र जो मैंने क्रिएट किया था वो टेस्ट 01 यहाँ पे आ गया है। मतलब हमारी कमांड से हम यूज़र और OU को क्रिएट कर पा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। उसी तरीके से हमारे पास तीसरी चीज़ है, अगर सपोज़ हमें एक ग्रुप क्रिएट करना है, और ग्रुप क्रिएट करने के लिए भी सेम हमें फिर से यही कमांड चलानी पड़ेगी। यहाँ पे न्यू AD, आपको यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ग्रुप लिखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। फिर से एक माइनस लगा के इसको नेम लिख दीजिएगा, और फिर से आपको यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा। तो मैं दे रहा हूँ फिर से टेस्ट 00001। तो मैंने ये नाम दे दिया है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप कौन सा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरीके के ग्रुप जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें स्कोप सिलेक्ट करना होता है, ग्रुप स्कोप। तो वो तीन तरीके के ग्रुप स्कोप होते हैं। यहाँ पे पहला होता है आपके पास में, अगर हम यहाँ पे एक राइट क्लिक करते हैं किसी एक पे, या फिर मैं एक यहाँ पे एक नया ग्रुप मैन्युअली क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैनुअल क्रिएट करने की तरीका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप स्कोप, तो यहाँ पे तीन ग्रुप स्कोप लिखे हैं। पहला लिखा है डोमेन, दूसरा लिखा है ग्लोबल, और तीसरा लिखा है यूनिवर्सल। तो अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, मैंने ग्रुप का नाम दे दिया है, लेकिन मुझको एक स्कोप करके वहाँ पे एक एंट्री करनी है, और एक हमारे पास ऑप्शन आया है कि आप एंटर करो कौन सा ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आप हम लोग वही देखेंगे कैसे करते हैं उसको। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हमारे पास तीन ग्रुप होते हैं, हमें पहले ग्रुप स्कोप होते हैं, हमें पता होना चाहिए। पहला है डोमेन, डोमेन लोकल होता है एक। हाँ, तो अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे इसके लिए नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 0 एंटर करना पड़ेगा। दूसरा इसी तरीके से होता है ग्लोबल, तो ग्लोबल के लिए आपको 1 एंटर करना पड़ेगा। और एक तीसरा होता है यूनिवर्सल, तो एक यूनिवर्सल के लिए आपको 2 एंटर करना पड़ेगा। तो हम वही देखेंगे अभी ऐसे ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है करके प्रॉपरली। तो अभी मैं जाता हूँ फिर से पावर सेल में, अभी हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप का नाम दिया है टेस्ट 00001, तो अभी मुझे ग्रुप स्कोप पूछ रहा है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, मैंने डाल दिया 0, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, मैंने एंटर किया तो ये कमांड फिर से प्रॉपरली चल गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है ग्रुप करके। तो फिर से यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार। मैंने रिफ़्रेश कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये यहाँ पे सेकंड लास्ट टेस्ट 00001 आ गया है। और हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, सपोज़ मैं डबल क्लिक करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डोमेन लोकल सेलेक्ट हुआ है, खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया, हमने नहीं किया है। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे जब इसको कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड रन करी है तो हमने यहाँ पे 0 मेंशन किया है, 00 की लोकल डोमेन के लिए होता है। तो ये हमारी कमांड चल गई प्रॉपरली और हमारा एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया है। और इसी तरीके से हम दूसरे भी देखेंगे, वो भी क्रिएट हो रहे हैं। अभी देखिए ग्लोबल यहाँ पे प्रॉपरली हमें दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है, और यूनिवर्सल दिख रहा है, तो उसको भी हम वेरीफाई करेंगे वो वैसे क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से सेम कमांड रन करता हूँ। अब मैं इसके लिए इसका नाम चेंज कर देता हूँ इस ग्रुप का, हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। मैंने 40 लगा दिया है और मैं एंटर करता हूँ। और एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे स्कोप के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था अभी, एक ग्लोबल यूज़र ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं अभी 1 एंटर करता हूँ और मैंने एंटर कर दिया है यहाँ पे। तो कमांड फिर से प्रॉपरली रन हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे फिर से एक और ग्रुप आ गया है, ये थर्ड लास्ट में।
और इसकी अगर हम प्रॉपर्टी चेक करें तो ये ग्लोबल पे है। अभी डोमेन लोकल इनविजिबल हो गया, जैसे कि पहले वाले में हम इसकी बात करें इस ग्रुप की, तो इसमें क्या है, इसमें ग्लोबल इनविजिबल है और डोमेन लोकल दिख रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे अभी ये चेंज हो गया है। तो ऐसे ही हम थर्ड वाले को भी चेक करेंगे। फिर से मैं इसका नाम दे रहा हूँ, अब 5 टाइम 01 और एंटर, और इधर पे 2। तो फिर से कमांड प्रॉपरली रन हो गई है। फिर वेरीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे 5 टाइम 01 आ गया है और ये डोमेन लोकल ग्लोबल दोनों चकमक नहीं लगा और खुद ब खुद यूनिवर्सल आ गया है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूज़र्स को, OU को और ग्रुप को थ्रू पावर सेल। और हम दूसरा तरीका है इसमें यूज़र क्रिएट करने का या ग्रुप क्रिएट करने का या फिर OU क्रिएट करने का, वो है सिंपल तरीका है कि हम इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करें। तो उससे पहले मैं जो हमने क्रिएट किया उनको डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम देखेंगे दूसरे तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको डिलीट कर दिया है और हम मैनुअल देखेंगे अभी। OU को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैं जब इस OU को डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे एक एरर आ रहा है कि यू डू नॉट हैव सफिशियंट प्रिविलेज टू डिलीट दिस। एक्चुअली क्या है, बाई डिफ़ॉल्ट इसमें एक हमारे पास एक सिक्योरिटी कंसर्न सिक्योरिटी फैसिलिटी है कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट पहले इसको हटाना पड़ता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन से, कि कोई गलती से अगर हमारे उस पर डिलीट पे क्लिक हो गया तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको हटा देंगे तो ये अभी हम डिलीट कर पाएंगे। मैं इसको जाता हूँ और डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो वो डिलीट हो गया OU जो हमने क्रिएट किए थे। तो अब हमने देखा यहाँ तक कि हम कमांड प्रॉम्प्ट इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसको हम मैन्युअली काफ़ी सिंपल है। सपोज़ आपको एक कोई OU क्रिएट करना हो तो आपको जस्ट यहाँ पे जाना है डोमेन के ऊपर, राइट क्लिक करके, और एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का एक ऑप्शन आता है। तो मैं इसको सपोज़ अगर आप भी बोलूँ तो मैं कुछ, मेरा कंपनी का नाम ABCD, मैंने एक OU बना दिया और एम्प्लॉय करके एक OU बना दिया मेन। अब इसके अंदर मुझे 2 OU और बनाने हैं, जिसमें सिर्फ मेरे पास 2 ही डिपार्टमेंट है। एक HR का हो गया और एक IT का। तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैंने एक IT कर दिया, ये मैंने OU बना लिया यहाँ पे। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया बनाने का। और हमने दूसरा देखा था कमांड प्रॉम्प्ट से। अब सपोज हमें एक यूज़र क्रिएट करना है एक HR के लिए, तो आप यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं HR के ऊपर और इस तरफ आके फिर इस पर राइट क्लिक करके एक यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप जैसे इस पर राइट क्लिक कर दीजिए और इधर आके एक न्यू पे क्लिक कीजिए और यूज़र पे आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं अब उसको। और आप किस, यहाँ पे देखिए यूज़र लॉग ऑन नेम लिखा है तो वो किस नाम से लॉग इन करेगा। तो मैं एक दे रहा हूँ अभी। और यहाँ पे हम ये पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर, और बस इसके लिए मैं एक पासवर्ड असाइन कर देता हूँ। और ये कंफर्मेशन पासवर्ड आपको 2 बार देना पड़ेगा। मैंने कर दिया है, फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो मेरा अब क्या हुआ, एक यूज़र क्रिएट हो गया, एक OU क्रिएट हो गया। उसी तरीके से हम देखते हैं एक ग्रुप क्रिएट करने का। तो ग्रुप क्रिएट करने का भी बहुत ही सिंपल है। आप जैसे राइट क्लिक कीजिए, आपको इतने सारे ऑप्शन हैं, इसी ऑप्शन में ग्रुप भी होता है। तो अब यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, आप कौन सा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। मैं सपोज देता हूँ टी सिक्योरिटी करके, या फिर इसको चेंज कर देता हूँ मैं HR सिक्योरिटी करके। मैंने HR सिक्योरिटी करके दे दिया। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ डोमेन करना है, डोमेन लोकल या ग्लोबल या यूनिवर्सल। तो मैं अभी ग्लोबल करता हूँ, सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे क्रिएट हो गया मेरा एक ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये ग्रुप के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, कैसे इनका अलग अलग फंक्शनैलिटी है, सिक्योरिटी ग्रुप, यूनिवर्सल ग्रुप। और यहाँ पे हम देखेंगे, मैं आपको बस यहाँ पे राइट क्लिक करके दिखाई देता हूँ एक बार। मैं इन सब के बारे में बोलूँगा, सिक्योरिटी क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप स्कोप क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन। तो आज के लिए हम सिर्फ इसमें बेसिक सीख रहे हैं कि यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और OU कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। अब सपोज़ आपको
आपके पास इस T1 जैसे 50 है और आप उस 50 को एक पॉलिसी लगाना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे आसान तरीका कि आप 50 कंप्यूटर के पास और 50 यूज़र के सिस्टम पे जाने से बेटर है, यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कीजिए सिक्योरिटी, और इन सब 100 को या T1, T2, T3 जो भी है उन सबको आप इसके अंदर ऐड करा दीजिए, ऐड टू ग्रुप करके। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाइए और मेंबर्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं। आप ए लिखिए, आपको T1 आ जाएगा जो मैंने क्रिएट किया था, और अप्लाई। तो अब क्या हुआ, ये जो T1 है इसका मेंबर हो गया इस ग्रुप का। अगर ऐसे ही आपके पास 50 है तो अब जब आप सिक्योरिटी अप्लाई करोगे या कोई पॉलिसी, तो आप इस ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी पॉलिसी किस पे लग जाएगी, सारे 100 के 100 यूज़र को लग जाएगी, आपको वन बाय वन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में, जब मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा आप लोगों से कैसे उसको अप्लाई करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, कैसे यूज़र क्रिएट करना, OU क्रिएट करना और ग्रुप क्रिएट करना पावर सेल से, और मैन्युअली हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो से आप इसे ध्यान से देखें और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। आई होप कि आप इसे ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और आप मुझे फेसबुक पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे नाम से भी आप ढूंढ सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।